हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, अगर खास तौर से अवध की बात करें, अयोध्या के उसके आसपास के हिस्से की, या आप जिस बिहार से आते हैं वहां की भी बात करें जहां से माता सीता के तार जुड़े हुए हैं, वहां पर बड़ा गाया जाता है जुग जुग जियतु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। मैं चाहूंगी संजय, अब भगवान श्री राम ने जन्म ले लिया है तो उनकी लंबी उम्र के लिए जो बधाई गाई जाती है, जरा वो सुना दे हमारे दर्शकों को आप। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे राजा दशरथ कर, बधैया बाजे। हम ओरछा के आई विल बाई क्यू कम मीट माय फादर कम 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 कम। आज ये पहला मौका है ऐसा जब रामलला सरकार अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, भानुकुल भूषण का तिलक हो रहा है, भगवान सूर्य रघुनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट, आई डोंट मीन एनी कमेंट। संजय, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। संजय, हालांकि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ओरछा के राजा यहाँ मौजूद थे और यहाँ की परंपरा है कि यहाँ जब रामनवमी का उत्सव होता है तो उस समय ओरछा के राज परिवार के लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ आकर कनक बिहारी सरकार की पूजा करते हैं। और मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि वो अंदर आए और अंदर कनक बिहारी सरकार के हमारे दर्शकों के दर्शन कराएं, ताकि हम जब यहाँ पर बधाई की बात करें तो कनक बिहारी सरकार के दर्शन हमारे जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भी कर सके। और इसमें बाहर जो बधाई चल रही है वो यही चल रही है, प्रगटे आज चारो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे आज चारो भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जैसे बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, प्रगटे आज चारो भैया अवध में बाजे बधैया। और यही छन्नूलाल मिश्रा जी ने गाया है जिस उनके राम जी के गढ़ऊ खड़ऊआ लालन जी के पालन हो, रामा जुग जुग जियसु ललनवा अवध के भाग जागल हो, रामा जुग जुग जियसु ललनवा अवध के भाग जागल हो। तो इस तरह की बधाइयां हैं। और मैं अंदर से कहना चाहूंगा, हमारे कैमरामैन थोड़ा मुश्किल जरूर आएगा, बाहर भक्तों की भीड़, वहाँ वो बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, बधाइयां ली जा रही हैं, बधाइयां लूटी जा रही हैं, कोई मिठाई लुटा रहा है, कोई चॉकलेट लुटा रहा है, तो लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भाव से लुटाए जा रहे हैं। कई सखियां ऐसी हैं जो ओरछा से, टीकमगढ़ से, झांसी से, गुना से, मध्य प्रदेश से आई हैं और वो वहां पर अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं। संजय, जरा अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो बधैया छन्नूलाल मिश्रा जी का आपने गाकर सुनाया है, कैसे जब भगवान श्री राम जन्म लेते हैं और भगवान सूर्यदेव ने उनके माथे पर तिलक कर दिया, उसके बाद जो सखियां हैं जब प्रभु को देखती हैं तो कोई कहता है इनकी नाक तो माता जी की तरह है, आंखें पिताजी की तरह है, जो आगे का भाव है उस गीत का, मैं चाहूंगी कि उसको भी आप आगे बढ़ाएं, तस्वीरें भी दिखाते रहे। संजय, जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही बच्चा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो लोग सबसे पहले उनकी तुलना उनके माता पिता, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी से करते हैं कि कौन सा मुखमंडल का कौन सा हिस्सा किन से मिलता है, किसका जैसा दिखता है। तो लोगों ने बधाई गाते समय ये भी कहा कि चेहरा किन से मिलता है, नाक कैसी, आंखें कैसी हैं, वो सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। और राम जन्म के समय भी लोगों ने यही तुलना की कि दशरथ जी जैसी उसकी आंखें हैं, ललाट बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राटों जैसा है, हाथों पर चक्र और शंख विराजमान है और वो तमाम चीजें वो देखते हैं और इसके साथ ही वो तुलना करते हैं, यानी आनंद का पारावार, आनंद का समुद्र, आनंद का सागर हर तरफ से हिलोरे मार रहा है, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं सोहर गाकर, और राजा दशरथ जी से कुछ आशीष और उनसे तो कुछ इनाम पाने की आस में लोग यहाँ आए हैं, यानी कहते हैं कि गावही गीत मनोहर नारी, गावही गीत मनोहर नारी, और
दशरथ जी के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं लोग गाते हुए बजाते हुए आनंद मगन होकर, और राम जी के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं कि रामचंद्र जी का सौंदर्य कैसा है। राम जी का सौंदर्य कैसा है वो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। जहां तक भगवान भास्कर ने जब सूर्य तिलक किया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए संजय आप। जी हाँ बिल्कुल, उसमें जो उनके गाल हैं वो कहते हैं कि चिबुक ऐसे हैं जैसे चंद्रमा पर किसी ने, और गाल पर जो तिल है वो ऐसा है मानव शालिग्राम बिछाए के पौढ़े शालिग्राम, कहा कहूं वा छवि की लसना ललित ललाम। ऐसा लग रहा है कि जो गाल पर तिल है वो ऐसा लग रहा मानो चंद्रमा बिछाकर शालिग्राम जी आराम कर रहे हैं। चंद्रमा जैसा मुख है रामचंद्र का, मानव शैल चंद्र बिछाए के पौढ़े शालिग्राम। तो यानी ऐसा सौंदर्य भगवान राम जी का है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी छवि है, ऐसा शील है, ऐसा गुण है, उसके निधान है रामचंद्र जी। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं जो सबसे प्रसिद्ध स्तुति है उसमें भगवान राम के सौंदर्य का, ललित का ऐसा सुंदर वर्णन है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन, आंखें नए कमल के पत्ते की तरह है, नवकंज लोचन कंज मुख, पूरा मुख है कमल के समान कोमल लाल और मुलायम है, करकंज पद कंजारुणम, हाथ भी वैसे ही कमल की डंडी के समान हाथ हैं और कमल के पत्तियों के समान उनकी उंगलियां हैं, करकंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित, यानी करोड़ों कामदेव। सबसे सौंदर्य जो भारतीय वांग्मय में है, सौंदर्य का सबसे उत्कर्ष है तो कामदेव को कहा जाता है, कामदेव की तरह सुंदर है। अंग्रेजी में जिसे लोग कहते हैं कि यूनान के देवताओं की तरह सुंदर है, तो वैसा कामदेव करोड़ों कामदेव लजा जाए ऐसा सौंदर्य है कि कंदर्प कोट अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, नीरद ऐसा बादल जो अभी अभी पानी से भरकर आया हो, जो भूरा जैसा दिखता है स्लेटी, नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानो, और वो चूंकि बादल की तरह हैं तो उनके ऊपर जो पटपीत है पीतांबर है वो ऐसा शोभायमान है, रामचंद्र जी के उनके भव्य और दिव्य तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, ये तस्वीरें अपने आप में उस सपने को साकार कर रही हैं जो हजारों हजारों वर्ष से यूं ही चलता हुआ चला आ रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि भव्य राम मंदिर बनेगा और उसमें प्रभु श्री राम जन्म लेंगे और भगवान भास्कर उनका तिलक करेंगे। आज वो सपना साकार हुआ है। मुद्दों का मैदान, मोहन का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति भी नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।